बोलिए। मेरा परिचय हुआ त्रिशाला। मैं बेहतर झारखंड एक गैर संस्कार सरकारी संस्था है उसके साथ काम करती हूँ और मैं झारखंड में पिछले कुछ महीनों से काम कर रही हूँ जन जागरूकता का सामाजिक और राजनीतिक आप लोगों के समक्ष ये कि आपका कर्तव्य क्या बनता है। मैंने यहाँ पे अभी तक 5 से 6 लोगों को सुना। अभी ये बोल के गए कि युवाओं का ये जिम्मेदारी बनती है, ऐसी जिम्मेदारी बनती है, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, हमें केंद्र से लड़ना चाहिए। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप लड़ तो लेंगे लेकिन मुद्दों किन मुद्दों पे लड़ रहे हैं आप लोग कितना गहन करते हैं उन मुद्दों पे? कोई जवाब दे सकता है मुझे? यहाँ पे महिलाएं हैं, मैं महिलाओं से पूछना चाहूंगी क्या समस्याएं हैं आपकी। आप लोगों का खून नहीं खोलता, आप केंद्र से सवाल पूछना चाहते हैं। 32,000 महिलाएं मध्य प्रदेश से गायब हैं, किसी का खून नहीं खोलता है, नहीं खोलता है। किस केंद्र से लड़ेंगे जाके आप लोग? कोई जवाब भी नहीं आ रहा आप लोगों की तरफ से, नहीं खोलता आप लोगों का खून। अभी तो बहुत चिल्ला रहे थे आप लोग। 2 महिलाओं को गाड़ के मारा गया मध्य प्रदेश में, पत्थरबाजी की गई उनके साथ, खून नहीं खोलता आप लोगों का ये सब देख के? तो क्या कर रहे हैं उसके लिए आप लोग? केंद्र से कैसे लड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं आप लोग? सरकारी नौकरियां नहीं है हम लोगों के पास, हमारे बच्चों के पास पढ़ने के लिए स्कूल तक नहीं है, टीचर आता ही नहीं है स्कूल में। मैं पिछले 2 साल से जन जागरूकता अभियान कर रही हूँ। मैंने बिहार में एक MLC इलेक्शन तक जीता, प्रशांत किशोर जी के साथ काम किया। इतनी दुर्दशा है कि स्कूल का ढांचा तक नहीं है, आज भी लोग बोरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, वही जो 1947 में पढ़ रहे थे। वहां से निकल के अगर कोई कुछ बन जाए तो बहुत बड़ी बात है, कोई अगर ना बन पाए तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो आप जो सिस्टम से लड़ने के लिए जा रहे हैं, क्या आप उसके लिए तैयार हैं अभी तक? मैं जयराम महतो जी का आभार प्रकट करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे ये मंच दिया और ये सारी बातें रखने का मौका दिया। लेकिन मैं ये देख के थोड़ा हताश हूँ कि जब मैंने बोला 32,000 महिलाएं गायब हैं, तो आप में से कई लोग तो इतने अबाक हैं कि आपको पता ही नहीं है 32,000 महिलाएं, बच्चियां और महिलाएं गायब हो चुकी हैं और उसका रिपोर्ट यूरोप तक चला गया है, अमेरिका तक चला गया, लेकिन आपका केंद्र बात तक नहीं कर रहा है। और आप लोग को लगता है ये आपकी बेटियों के साथ नहीं होगा, आपकी बहुओं के साथ नहीं होगा, आप क्या प्रश्न उठा रहे हैं? और ये अभी 1 महीने नहीं, 25 दिन पहले की रिपोर्ट है। आप किस महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं? चलिए ये केंद्र की बात हो गई, अगले स्टेट की बात हो गई, बिहार और झारखंड पे आ जाते हैं। आपने यहाँ पे युवा मोर्चा लिखा हुआ है, युवा में मैं सिर्फ गिन चुन के मैं महिलाएं गिन सकती हूँ। यहाँ पे 2 बैठी है, 1 मैं हूँ, 1 मैडम वहां पर है, कहाँ है महिलाएं? आपके घरों में बहू बेटियां नहीं है? आपको नहीं चाहिए कि वो राजनीति में आए, सामाजिक कार्यों में आए? क्यों नहीं लाते हैं उनको ऐसी मीटिंग्स में आप लोग? जन जागरूकता का मतलब क्या है? जन जागरूकता का मतलब है कि जो जयराम जी बात करें, जो ये मैडम बात करें, जो ये सर बात करें, वो आपकी बच्चियों तक भी पहुंचे ताकि वो इतनी सशक्त हो कि वो अपना युद्ध और अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। ज्यादा समय नहीं लूंगी आप लोगों का, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए, मैं समझती हूँ कि मैं थोड़ी सी बाहरी हूँ, मैं आप लोगों की भाषा तो समझ सकती हूँ लेकिन मैं उस भाषा में आपसे वार्तालाप नहीं कर सकती हूँ। अंत में मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, अगर केंद्र से लड़ना चाहते हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता की 2 पंक्तियां हैं और वो पंक्तियां कुछ ऐसे हैं, सिंहासन खाली करो कि जनता अब आती है। आती है कि नहीं? सुनाई नहीं दे रहा, जोश ही है आप लोगों में? आती है कि नहीं? थैंक यू जयराम जी, थैंक यू सो मच।